मोदी के खिलाफ चुनाव लड़वा रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस की, कम से कम उत्तर प्रदेश में? कि वो कांग्रेस ही नहीं, एक नारा हमने 7 महीना पहले बता दिया है कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के। कुछ समय के बाद आपने देखा कि माननीय नीतीश जी सट गए, माननीय जैन जी सट गए, माननीय दारा चौहान जी आ गए सट गए, और हट के ममता जी हट गई, पंजाब वाले हट गए, और यूपी में अखिलेश जी मन बनाए हुए हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी परसों मैंने देखा कि उनके बहुत पुराने मित्र, साथ चलने वाले संजय चौहान जी एकदम उनको कह दिए कि तुम भी चले जाओ। उसके पहले उन्होंने भेजा पल्लवी पटेल का भी देखा, एक हफ्ते से उनको भी किनारे कर दिया। जयंत को भेज दिया कि चले जाओ भाजपा में। उसके बाद दारा चौहान जी को भेज दिया कि भाजपा में जाओ। ओम प्रकाश राजभर को भी कह दिया कि चले जाओ उधर। तो सबको उधर भेज रहे हैं, लोग अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, आइए उधर मजबूत कर रहे हैं। तो जो लड़ाई है, कमजोर रहेंगे जीतेंगे नहीं, भाजपा को जिताएंगे, मुसलमानों को गुमराह करेंगे, यही तो काम है उनका। अजय राय तो दावा कर रहे हैं कि इस बार बनारस में वही चुनाव जीतेंगे, क्या देख रहे हैं आप? चूंकि बनारस के अगल बगल बेल्ट पर आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। जमानत अपनी बचा ले, यही बहुत बड़ी चीज है बनारस में। बनारस अगर पार्टी का चश्मा उतार करके लोग बनारस जाए तो समझ में आ जाएगा कि बनारस चाहे भोलेनाथ की नगरी में जाके वहां देख लें लोग, या बाबतपुर एयरपोर्ट से उतर करके बनारस के किसी गली में चले जाएं तो देखने को मिलेगा कि नहीं वहां विकास हुआ है 10 साल के अंदर। लड़ाई कहीं नहीं है, वही बनारस नहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं लड़ाई नहीं है। आप बताए लखनऊ में लड़ाई है कहीं? ऐसे हिया नहीं है, उसे कहीं नहीं है। रायबरेली पे भी अभी तक आपने प्रत्याशी, आप मतलब आपके गठबंधन का प्रत्याशी नहीं आया, तो क्या कांग्रेस के साथ सेफ सीट की जरूरत है? वो स्थिति बन रही रायबरेली अमेठी में कि इंतजार कर रहे हैं कि उधर से परिवार का कोई आए तो उसी हिसाब से प्रत्याशी उतारे? नहीं, सभी पार्टियों का अपना अलग अलग मत है कि समय समय पर भाई देश में टिकट बांटना है, एक स्टेट का है नहीं, तो जहां जरूरत है वहां अपना हो रहा है। अच्छा, एक मदरसा बोर्ड को लेकर फैसला हाईकोर्ट का आया, किस तरह से विभाग इस पर काम करेगा? देखिए, फैसला आने के बाद विभाग के अधिकारी उसका अध्ययन कर रहे हैं, हमने भी उसको पढ़ा।